गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता की। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग राशि परिचय दैनिक राशिफल एवं खास उपाय की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 10 अक्टूबर मंगलवार 2023 श्री शुभ संवत 2080 शक संवत 1945 वार महीना अंधेरा पार एकादशी तिथि सूर्य कन्या राशि में चंद्रमा सिंह राशि में आज अश्लेषा नक्षत्र प्रातः 7:13 तक रहेगा। इसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। दिशा सूर्य उत्तर दिशा परिहार गुण। कहने का मतलब ये है कि आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए अशुभ है। अगर उत्तर दिशा की यात्रा आप करना चाहते हैं तो गुड़ खाकर यात्रा प्रारंभ करेंगे तो सफलता मिलने के योग बढ़ जाते हैं। राहु काल दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक, गुली काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। किसी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में ना करें, क्योंकि राहु काल में शुभ काम जो भी किए जाते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है, परेशानी ही परेशानी हाथ लगती है। अगर आपको कोई शुभ काम करना है अथवा यात्रा का आरंभ करना है तो ये दोनों काम अगर आप गुली काल में आरंभ करते हैं तो सफलता मिलने के चांस आपको बढ़ जाते हैं। अब हम आपको राशि परिचय के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। अपने नाम के प्रथम अक्षर से राशि ज्ञात करें। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, इन्हें इस प्रकार समझें जैसे कि प्रा। बहुत से लोगों के नाम प्रा से शुरू होते हैं, जैसे कि प्रमिला है, प्रमोद है, तो प्रा से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रा को आप पास से देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा भी होता है और त्रा से भी बहुत लोगों के नाम हुआ करते हैं, तो इसमें जैसे कि त्रिजुगी है, त्रिभुवन है, तो त्रा से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, त्रा को आप ता से देखें। कहने का मतलब है त्रा को आप तुला राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा होता है और ज्ञा से भी बहुत लोग के नाम होते हैं, इसमें आप परेशान ना होइए, ज्ञा को आप गा से देखें। कहने का मतलब है ज्ञा को आप मकर राशि से देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर स्त्रा भी होता है और स्त्रा से भी बहुत लोग के नाम हुआ करते हैं, जैसे कि श्रवण कुमार, श्रेया, तो स्त्रा से भी आप परेशान ना होइए, स्त्रा को आप सा से देखें। कहने का तात्पर्य है स्त्रा को आप कुंभ राशि में देखिए। अब हम आपको आगे की कड़ी की तरफ लेके चलते हैं, राशि फल की तरफ। एरिस यानी मेष राशि। मेष लग्न राशि के जातकों, आज बुद्धि विद्या द्वारा लाभ प्राप्त होगा, संतान का सहयोग मिलेगा तथा माता का भी सुख प्राप्त होगा। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भी आपको लाभ होने के योग दिख रहे हैं। मन खुश रहेगा, धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। टोरस यानी वृषभ राशि। वृषभ लग्न राशि के जातकों, आज भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा, माता का भी सुख मिलेगा, वाहन का सुख आपको प्राप्त होने के योग दिख रहे हैं, परंतु पिता को कष्ट रहेगा। विशेष उपाय, महिलाओं का सम्मान करें। जेमनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि या लग्न के जातकों, आज परिवार का सहयोग मिलेगा, पराक्रम के द्वारा रुके हुए कार्य
पूरे होने के योग दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, भाग्य में बाधा पड़ेगी। विशेष उपाय, किसी गरीब ब्राह्मण को दूध का दान करें। कैंसर यानी कर्क लग्न राशि के जातकों, आज परिवार का सहयोग मिलेगा, धन संग्रह करने के भी योग हैं, मन खुश रहेगा। आयु को नुकसान पहुंचने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, हिजूर पानी न बर्बाद करें। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों, आज स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, मन खुश रहेगा। बाहरी स्थान से भी लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। बढ़े हुए वे बढ़ेगा। पति पत्नी में आपस में मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, अपने जेब में लाल रंग का रुमाल रखें। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जातकों, आज खर्च और आमदनी लगभग बराबर रहेगी। बाहरी स्थानों से आपको लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु झगड़े झंझट से आप सावधान रहें। विशेष उपाय, अपनी बुआ एवं बहनों का सम्मान करें। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जातकों, आज सरकारी अधिकारी आपके अनुकूल रहेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन लाभ मिलेगा, परंतु दिमागी टेंशन आपको बढ़ सकती है। विशेष उपाय, दही लगाकर स्नान करें। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों, आज भाग्य प्रबल है, धार्मिक कामों में मन लगेगा, यश की प्राप्ति होगी, पिता का सुख प्राप्त होगा। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में दिक्कत आने के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, पानी में लाल चंदन का बुरादा डालकर स्नान करें। सेजेरियस यानी धनु राशि, धनु लग्न राशि के जातकों, भाग्य प्रबल है, धार्मिक कामों में दिलचस्पी बढ़ेगी, आयु को बल मिलेगा, परंतु भाई बहन में आपस में मतभेद होने के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, सद्गुरु का सम्मान करें। कैप्रिकॉर्न यानी मकर लग्न राशि के जातकों, आज आयु में उन्नत होगी, पति या पत्नी को कष्ट प्राप्त होगा तथा धन हानि होने के योग दिख रहे हैं। परिवार में परेशानी के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, किसी भी मजदूर की मजदूरी मत मारे। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कुंभ लग्न राशि के जातकों, आज रोजी रोजगार में दिक्कत आने के योग दिख रहे हैं। पति पत्नी में आपस में मतभेद भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। विशेष उपाय, अपने जेब में काले रंग की रुमाल रखें। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग्न राशि के जातकों, आज झगड़ा झंझट की स्थिति आपके सामने आ सकती है। संतान को कष्ट प्राप्त होने के भी योग दिख रहे हैं। फिजूल खर्चा बढ़ेगा। विशेष उपाय, गरीब छात्रों को कॉपी किताब पेंसिल दान करें। अगर आप अपने राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो अपनी राशि को लग्न से देखें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। हमारे अन्य वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियोज हैं। आवश्यक सूचना, हस्तरेखा परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान, विवाह आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9807225523 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान
मिश्रा ज्योतिष केंद्र कम्युनिटी सेंटर के सामने पार्क के पास आवास विकास नंबर 1 कल्याणपुर कानपुर नगर। जय माता दी।